एमपी साहब खुद अब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मन्नालाल रावत जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मन्नालाल जी, ये कैसा आरोप है कि आदमखोर पैंथर कहीं बीएपी ने राजनीतिक हथियार के रूप में जंगल में तो नहीं छोड़ दिया? देखिए, पिछले कई दिनों से पैंथर आदमखोर हो गया। हाँ, और प्रशासन ने और हम सब लोगों ने मिलकर कोशिश की कि वो उसको नियंत्रण में करें। नेशनल लेवल का शूटर भी बुला दिया, कलेक्टर ने आदेश कर दिए, देखते ही गोली मार देना उसको, और जंगल जंगल में सब सारी चीजें पिंजरे लगाना सब कुछ किया। और इस दौरान बीएपी के कुछ लोग बकवास करते रहे और कहते रहे कि ये जंगल में बीजेपी वालों ने छोड़ दिया, इनको शर्म नहीं आती। अगर ये बोल रहे हैं ऐसा तो ये इन्होंने किया, ऐसा पूछेंगे नहीं इनसे? नहीं तो आप बेसिकली तंज कस रहे थे या आरोप लगा रहे थे? मन्नालाल जी, मैं समझना चाहता हूँ। आरोप लगा रहे थे तो हम पूछेंगे नहीं इनसे? ये आरोप वही लगाता ना जो चोर की दाढ़ी में तीन का होता है। कहीं इन्होंने नहीं किया ऐसा हम नहीं पूछेंगे? आपको लगता है ऐसा हो सकता है? बाकी समाज क्षेत्र सुनता रहेगा। नहीं, आपको ऐसा लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, क्यों हम पूछेंगे? नहीं क्या हम पूछेंगे? जिसको पता है वो हमें बताए। अगर कहीं किसी को पता लगे, ये तो WWW है, वर्ल्ड वाइड है, हमने उस पर डाला है, प्रश्न पूछा है, क्या ऐसा है तो नहीं? अच्छा, मुझे तो मन्नालाल जी शुरुआत में ऐसा लगा था कि शायद आप तंज कस रहे होंगे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने सीधे प्रश्न ही पूछा है। हम जानना चाह रहे हैं ये लगातार क्यों कह रहे हैं ऐसा। ये कभी माननीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब का नाम ले रहे हैं, कभी मेरा नाम ले रहे हैं, कभी संगठन का नाम ले रहे हैं, कभी टारगेट कर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये इन्होंने कहीं बदमाशी की हो। लेकिन मन्नालाल जी, मैंने देखा बीएपी ने अपने पोस्ट में एक वीडियो भी डाला है जिसमें पिंजरे से पैंथर को निकलकर जंगल की ओर भागते हुए दिखाया गया, और उसको वो कह रहे हैं कि ये देखिए सबूत। भाई ये कुछ भी कह सकते हैं, ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाले वहां से उठा के लाके दिखा सकते हैं। ये सारा भ्रमजाल है, बीएपी कुछ और नहीं है, ये पूरा भ्रमजाल है, एक पूरा इकोसिस्टम है कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना, कैसे लोगों को बरगलाना, और कैसे ये जो असत्य बातें उनको कहीं ना कहीं बार बार प्रसारित करना। ये तो वैसे ही है जैसे हिटलर कहता था। तो मन्नालाल जी, क्या आपने भी बीएपी वालों की राह पकड़ ली? आप समझदार व्यक्ति हैं, आपसे समझदारी की उम्मीद दुनिया करती है, आप सांसद हैं, आप भी उसी रास्ते पर चलने लगे जिस रास्ते पर बीएपी चली। हम समझदार हैं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं इनसे। ये समझदारी नहीं है कि इनसे पूछें कि ये तुमने तो नहीं किया? नहीं नहीं, लेकिन बात तो ये है ना कि क्या ऐसा संभव है? क्या मन्नालाल जी, आप भी बताइए, क्या ऐसा संभव होता है? देखिए, ऐसा है, इन्होंने जितना जितना भ्रमजाल फैला दिया, जितना सारा प्रोपेगेंडा कर दिया, वो उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा इनसे? वो पूछना चाहिए ना, इतने दिन से ये बकवास कर रहे हैं, पिछले 2-3 सप्ताह से कर रहे हैं, एक प्रश्न नहीं पूछ सकते इनसे? उनका कहना यह है कि आदिवासियों को खत्म करने की साजिश के तहत, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये भ्रमजाल कहां से लाए? ये प्रश्न कहां से लाए? ये प्रश्न कहां से लाए? तो ये प्रश्न लाए हैं, इसका मतलब इसके पीछे इनकी भी तो रणनीति हो सकती है। नहीं तो अगर आपको डिफेम किया जा रहा है, आपकी मानहानि की जा रही है, तो आपके पास एक रास्ता ये भी था कि आप अदालत पहुंचते कि भाई बीएपी के नेता हमारी मानहानि कर रहे हैं, हमें डिफेम किया जा रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं, हम भी इसलिए सोशल प्लेटफॉर्म पे लिखेंगे, हम भी पूछेंगे। फिर मन्नालाल जी, इसमें समझदारी कहां है? नहीं, समझदारी क्या, समझदारी ये नहीं है कि ये जो प्रश्न कर रहे हैं उनके बारे में पूछें, इन्हीं से पूछें? अच्छा, कोई जवाब आया आपको? आपने देखा आपके खुद पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स हो रहे हैं उसमें तो कई लोग आपसे भी नाराजगी जता रहे हैं। देखिए, कमेंट होना अलग चीज है, मौलिक प्रश्न ये है कि इन्होंने जो है प्रोपेगेंडा खड़ा किया था, इन्होंने झूठ फैलाया था, भ्रमजाल फैलाया था, और ये संगठन को, मन्नालाल रावत को, बाबूलाल खराड़ी जी को टारगेट कर रहे थे, तो ये कर रहे थे, इसके बारे में हम ही नहीं पूछेंगे? मेरा नाम जब इतनी बार आ जाएगा, मैं इनसे नहीं पूछूंगा कि तुम्हारा ये भ्रमजाल नहीं है, तुम्हारा झूठ का जाल नहीं है, तुम कहीं इसके पूरे षड्यंत्र के पीछे नहीं हो, ऐसा मैं नहीं पूछूंगा। तो इस पोस्ट के साथ चाहिए, अगर मैं नहीं पूछता हूँ और मैं मौन रहता हूँ तो इनका जो असत्य है उसको मैं सत्य मानने लग जाता हूँ। तो इस पोस्ट के साथ ये जंग खत्म, या अभी आप इसको और भी खींचना चाहते हैं? नहीं, किसको जंग का क्या विषय है? आप तो लड़ ही पड़े एक तरह से बीएपी के साथ, आप तो आमने सामने आ गए बीएपी के। इन्होंने असत्य रखा, हम सत्य जानना चाह रहे हैं और समाज से उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो सत्य है समाज में आना चाहिए। तो लेकिन सत्य बीएपी बताएगी, जांच एजेंसी बताएगी, या वन विभाग वाले बताएंगे? अच्छा ठीक है, मन्नालाल रावत जी ने मेरा संपर्क कट गया है। बहरहाल,